धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनुमान। तो अभी हमारे इलाके में कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा है और हम उसी का प्रिपरेशन कर रहे थे और आपका मैसेज आया, सो हम आज वही टॉपिक ले रहे हैं जिसको हमारी सादी भाषा में आंखें आना कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि कंजक्टिवाइटिस के केसेस हैं जहाँ पे मास के अंदर केसेस हैं, एक एक गांव में 50-50, 100-100, 150-150 केसेस कंजक्टिवाइटिस के एक एक कस्बे में से आ रहे हैं, इतना ज्यादा है। और ऐसी टाइम पे हम होम्योपैथी में कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और हमें जो रास्ता हमारे गुरुओं की तरफ से मिला है उस रास्ते की तहत हम कैसे जा सकते हैं। होम्योपैथी के अंदर बहुत सारे रास्ते हैं, तो हम आज एक रास्ते की सफर करेंगे। आगे भी हम उसी रास्ते पे दो तीन व्याख्यान कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम हर एक व्याख्यान की शुरुआत एक अच्छे से दोहे या श्लोक के साथ करते हैं। तो नेक्स्ट, कबीरदास महाराज का एक अच्छा सा दोहा है, भक्ति भाव भादो नदी सबे चली गहराए, सरिता सोई सराहिए जेठ मास ठहराए। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग भादों में बहने वाली नदी की तरह केवल विशेष समय पर ही भक्ति करते हैं उनको भक्त नहीं माना जा सकता है। जो लोग हर समय भक्ति में लीन रहते हैं वही सच्चे भक्त रहते हैं, क्योंकि वह उसी नदी की तरह पूजनीय है जो जेठ माह में भी जल प्रदान करती है जब पृथ्वी पर जल की कमी हो जाती है। तो कबीरदास जी बहुत अच्छी बात हमें समझाते हैं। वो हमें कहते हैं कि हमें तब की वो चीज प्रदान करनी है, तब भी वो हमें प्रदान करते रहना है जब उस चीज की कमी हो जाती है। तो उसी तरीके से हम देखें कि हम सोचेंगे कि मानवता की दिन ब दिन कमी होती जा रही है, लोगों के अंदर दया की कमी होती जा रही है, तो हमें वो चीज अपने अंदर वो लक्षण बनाए रखना है। उसी तरीके से हम कभी कभी 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन होम्योपैथी कर लेंगे, मतलब कि केस लेंगे, टोटालिटी बनाएंगे। हमारा यहाँ मतलब होम्योपैथी का ये होता है कि लॉ ऑफ सिमिलिया, होम्योपैथी का मतलब आर्निका या एयूफ्रेसिया या इस तरीके की दवाइयों से नहीं है। होम्योपैथी का मतलब है लॉ ऑफ सिमिलिया। तो इस दोहे को अगर हम होम्योपैथी के जगत में भी अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें वैसे ही लोगों के ऊपर विश्वास करना चाहिए जो कठिन से कठिन समय में भी लॉ ऑफ सिमिलिया के ऊपर डटे रहते हैं। हनीमैन जिसको कवर पेज के ऊपर लिखते हैं ऑडे सपेरे, मतलब कि डेयर टू बी वाइज, हमें डटे रहना है। जब जल की कमी आ जाती है जेठ मास में तब भी जो नदी पानी देती है वो पूजनीय है। उसी तरीके से कितने भी कठिन समय क्यों ना हो लेकिन जो लॉ ऑफ सिमिलिया के ऊपर अपने सिद्धांतों के ऊपर डटे रहते हैं वही होम्योपैथ, वही आचार्य आचरण में उतारने योग्य होते हैं। उसी तरीके से अभी बहुत क्या बोलते हैं हम इसको, एक सेमिनार इंडस्ट्री की तरह चल रहा है, बहुत सारे कोर्सेस आ रहे हैं, बहुत सारे होता है जहाँ पे होम्योपैथी की बातें होती हैं, तो उसमें भी ये दोहा हम लागू कर सकते हैं कि जो व्यक्ति, सर जी म्यूट कीजिए, जो व्यक्ति हर टाइम पे कठिन से कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पे टिके रहा हो वही व्यक्ति सीखने योग्य है, या तो उस व्यक्ति के पास से ही सीखने योग्य है, हर व्यक्ति से सीखा भी नहीं जा सकता है। तो हमें कबीरदास इस दोहे में सिखाते हैं कि हमें हर वक्त, हर चाहे कैसा भी कठिन समय हो, हमें अपने सिद्धांतों के ऊपर टिके रहना है। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस किसे कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस को, और पिंक आई मतलब कि इन्फ्लामेशन, सूजन है किस चीज की? कंजक्टिवा फ्रॉम इन्फेक्शन और एलर्जी, एलर्जी और इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या एलर्जन, चाहे कोई एलर्जी एलर्जन हो उसके कारण कंजक्टिवा है जो, उसके अंदर सूजन आ जाती है और आई पिंक हो जाती है उसको कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। योर आईज रेड एंड स्वॉलन इन्फ्लाम्ड एंड समटाइम्स दे हैव अ स्टिकी डिस्चार्ज, यू कैन हैव कंजक्टिवाइटिस इन वन और बोथ आई, समटाइम्स
some type of pink eye and very contagious, easily spread from one person to another, but many other are not. उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ बहुत आसानी से बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं बढ़ते हैं. Next, conjunctivitis can be caused by a virus, bacteria or allergens. Bacterial and viral conjunctivitis are easily spread from person to person. Allergic conjunctivitis is not contagious. मतलब तीन प्रकार के बताए गए हैं, चाहे बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, जो कंटेजियस है. कंटेजियस मतलब कैसा, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है, जबकि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है वो कंटेजियस नहीं है. नेक्स्ट, कंजक्टिवाइटिस में क्या क्या होता है. द फीलिंग दैट समथिंग इन योर आई और ग्रिटी सेंसेशन इन योर आई. आंखों के अंदर कुछ चुभता है, कुछ आंखों के अंदर है, ऐसा लगता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों के अंदर पेन होता है, बर्निंग होता है, इचिंग होता है, कई दफा उसमें से पानी भी बहुत ज्यादा निकलने लगता है, आंखें सूज जाती हैं, कई दफा दिखने में भी तकलीफ होती है, हेजी और ब्लरी विजन देखने को मिलता है, लाइट से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और अंदर से वाइट या येलो डिस्चार्ज आने लगता है जिससे आंखें एक दूसरे से चिपक जाती हैं. तो ये सब कंजक्टिवाइटिस के लक्षण हैं. इनमें से कुछ भी एक आध दो तीन लक्षण प्रेजेंट हो तो हम उसको कंजक्टिवाइटिस डायग्नोसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट, जो कंजक्टिवाइटिस को स्प्रेड करने से अगर हमें रोकना है तो हमें क्या करना है, तो हमें क्लीन टॉवेल और टिश्यू का यूज करना है अपने फेस के ऊपर और आई के ऊपर, और अगर हम हाथ लगाते हैं तो बार बार हमें जाके हाथ धो लेना है, अपनी आंखों को हाथ नहीं लगाना है और मेकअप नहीं करना है और कॉन्टेक्ट लेस नहीं पहनना है. हाँ, तो ये सब करने से हम रोक सकते हैं, ऐसा मॉडर्न साइंस का कहना है. हम तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी कहेंगे कि अगर हमें कोई भी डिसीज फैलता हुआ रोकना है, या तो हमें लोगों को कोई डिसीज से सफर होता हुआ रोकना है तो हमें उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो अच्छी खुराक देनी चाहिए, अच्छे वातावरण देना चाहिए, और जब भी उनको डिसीज हो तो सिमिलिमम से ट्रीट होना चाहिए. सिमिलिमम इज द बेस्ट वैक्सीन और बेस्ट मेडिसिन अकॉर्डिंग टू पर्सन इंडिविजुअलिज तौर के ऊपर, लेकिन हर बार अगर वो सिमिलिमम से ट्रीट होगा तो मायाजमेटिक लोड कम रहेगा और पेशेंट को सफरिंग कम रहेगी. हम एपिडेमिक में भी देखते हैं ना कि कुछ लोगों को एपिडेमिक सबके लिए होता है, लेकिन कुछ लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ लोगों को सिर्फ माइल्ड प्रॉब्लम होती है. बैक्टीरिया या वायरस तो वही होता है, तो क्यों वो कुछ लोगों के अंदर माइल्ड प्रॉब्लम और कुछ लोगों के अंदर सीवियर प्रॉब्लम करता है. एनीवन, वेरी गुड. इम्यूनिटी की वजह से, तो इम्यूनिटी कहां से डिसाइड होगी, अगेन इम्यूनिटी तो सबकी अलग अलग होगी. सो मॉडर्न साइंस भी मानता है कि एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल, भले ही उनका ट्रीटमेंट का तरीका जनरल हो, लेकिन हर बंदा अलग है, हर बंदे की इम्यूनिटी अलग है, और होम्योपैथी उस लेवल पे जाके वर्क करता है कि उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो. और अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो चाहे वायरल कंजक्टिवाइटिस आए, चाहे बैक्टीरियल आए, चाहे न्यूमोनिया आए, चाहे और कुछ आए, जो भी आएगा वो जिस बंदे का इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको बहुत माइल्ड फॉर्म में आएगा. बात समझ में आ रही है, लेकिन हर बार हमें सिमिलिमम से ट्रीट करना होगा तो ही ये पॉसिबल है. हम क्या करते हैं ना, हम जिस लोगों के संपर्क में रहते हैं तो हमारा भी क्या है कि हमारा थॉट पैटर्न भी वैसा हो जाता है. तो हम मॉडर्न मेडिसिन के संपर्क में रहते हैं जो जनरल मेडिसिन देते हैं, जिनका क्योरेटिव मेडिसिन भी जनरल होता है, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी जनरल होता है, वैक्सीन भी जनरल होता है, जो सबों को इफेक्ट करता है. तो हम होम्योपैथी में भी वही करने लग जाते हैं, हम सबके लिए मेडिसिन ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन होम्योपैथी का बेस ही इंडिविजुअलाइजेशन है. तो हर बंदे के लिए अलग अलग मेडिसिन हर बार अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलैरिटी से ट्रीट करेंगे तो उसकी इम्यूनिटी डे बाय डे स्ट्रांग होती जाएगी, और जो भी डिसीज आएंगे वो उनको वीकर फॉर्म में या माइल्डर फॉर्म में आएंगे. बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है. हमें क्या नहीं करना है,
तो हमें नहीं करने में क्या है कि पहले तो सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है। हम जो भी व्याख्यान देते हैं वो भी सीखने के लिए है, सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। सबसे बेस्ट फिजिशियन मास्टर हनीमैन, जब उनको भी तकलीफ होती थी तो हमने सुना हुआ है कि डॉक्टर बोनीगुसेन साहब वहां पे जाया करते थे। मतलब सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है, अपने आप कोई दवाइयां नहीं खानी है, किसी अच्छे से फिजिशियन के पास जाना है, कंसल्ट करना है और उनके मुताबिक काम करना है। अगर आंखों की तकलीफ है तो आंखों को आराम देना है, मोबाइल टीवी या लैपटॉप या जो भी हमारा स्क्रीन टाइम है उसको कम कर देना है और अच्छे से साफ पानी से आंखों को धोना है। क्लियर? नेक्स्ट। अब कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? एनीवन, बहुत सारे होम्योपैथ हमारे साथ जुड़े हैं, कोई बताएंगे हमें क्या करना चाहिए कंजक्टिवाइटिस के इस जहां पे हजारों की तादाद में कंजक्टिवाइटिस है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? कोई आइडिया किसी के पास? वेरी गुड, गॉगल्स का यूज करना चाहिए, चश्मा लिखा हुआ है हमने, हमारी भाषा में गॉगल्स को चश्मा कहते हैं यहां पे। ओके, और इसके अलावा कोई और? ओके, वेरी गुड। इफ्रेसिया, रस्टॉक्स और आई ड्रॉप्स का यूज करना चाहिए, हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। वेरी गुड, वो तो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर ही लिया। वेरी गुड, देखिए पहली बात तो ये अक्यूट डिसीज है और ज्यादातर ये एपिडेमिक वायरल होते हैं, तो सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है। तो हमें कई दफा ऐसा लगता है कि हमने दवाई दी और अच्छा हो गया, कोई भी दवाई हो, चाहे यूफ्रेशिया हो, चाहे रस्टॉक्स हो, चाहे और कोई दवाई हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यस यूफ्रेशिया से रिजल्ट मिल रहा है और हम सबको यूफ्रेशिया देने लगते हैं और हमें रिजल्ट भी देखने को मिलता है कि 2-3-4-5 दिनों में उनको अच्छा होने लगता है। हम अलग अलग आई ड्रॉप्स यूज करते हैं, हमें तो जब तक मालूम है मास्टर हनीमैन तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए मना ही कर रहे हैं, तो हमारा तो कोशिश ऐसा ही रहता है कि जब तक हमसे हो पाए हम मास्टर को फॉलो करें या तो मास्टर की कही गई बातों को अपने आचरण में लाएं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी दी गई मेडिसिन की कोई इफेक्ट हो रही है या तो डिसीज अपने आप जा रहा है एज अ होम्योपैथ। बात समझ में आ रही है? ज्यादातर होम्योपैथ हम लोग यही करते हैं कि आई की कंप्लेन है तो यूफ्रेशिया, बीच में हमारे यहाँ पे एपिडेमिक बोल सकते हैं उसको, एपिडेमिक तो मतलब WHO ने तो जाहिर नहीं किया था लेकिन बहुत सारे लोग उससे अफेक्ट हुए थे चिकनगुनिया का, तो उस टाइम पे हम लोग रस्टॉक्स सब कह रहे थे। लेकिन जब तक हमें समझ आया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए सिमिलिमम, चाहे जिस सिमिलिमम की तहत पे हम वहां पे क्योर प्रोड्यूस कर सके, उस पेशेंट को रिस्टोर द सीक टू हेल्थ टू क्योर कर सके। हम क्या कहते हैं, हम यूफ्रेशिया या रस्टॉक्स या और कोई दवाई देते हैं और हो सकता है कि दवाई की इफेक्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है तो अपने आप वहां पे डिसीज क्योर होने का प्रोसेस स्टार्ट हो और हमें ऐसा लगता है कि दवाई के कारण अच्छा हो रहा है। लेकिन दवाई के कारण अच्छा हो रहा है तो कैसे अच्छा होगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो बात समझ में आ रही है, हमें सिमिलिमम ढूंढना है। हनीमैन क्या कहते हैं, सिम्टम सिमिलैरिटी, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम। यूफ्रेशिया का दिखाओ आई जैसा है तो हर बार यूफ्रेशिया आई की कंप्लेन में काम करेगा, वो चीज हमें नीचे नहीं उतर रही है। बहुत सारे हमारे मित्रों का एक्सपीरियंस है यूफ्रेशिया आई ड्रॉप्स के बारे में भी, यूफ्रेशिया मेडिसिन के बारे में भी, कि कंजक्टिवाइटिस में बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। लेकिन हम लोग आपको कहते हैं कि इस पूरे एपिडेमिक में हमने अभी तक एक भी बार यूफ्रेशिया का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि हमें टोटालिटी में यूफ्रेशिया नहीं मिला है। तो हमें क्या करना चाहिए? नेक्स्ट, हमें करना चाहिए इंडिविजुअलाइजेशन, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस है वो तो एक डिसीज का नाम है लेकिन हर बंदे को होने वाला कंजक्टिवाइटिस अलग अलग होगा। तो
तो पहले तो कंजक्टिवाइटिस कहाँ हुआ है? तो आप सभी कहेंगे आंखों में हुआ है, लेकिन किस आंख से शुरुआत हुआ, कहां से शुरुआत हुआ, लेफ्ट साइड से हुआ या राइट साइड से हुआ? तो यहां से हमें लोकेशन मिलेगा। कंजक्टिवाइटिस छे, कंजक्टिवाइटिस है तो कंजक्टिवाइटिस में उन्हें क्या हो रहा है, मतलब रेडनेस ज्यादा है, बर्निंग ज्यादा है, इचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, हैवीनेस लग रहा है, या तो डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है तो कैसा डिस्चार्ज है, वाटरी डिस्चार्ज है, व्हाइट डिस्चार्ज है, येलो डिस्चार्ज है, कॉपियस डिस्चार्ज है, स्टिकी डिस्चार्ज है। बात समझ में आ रही है? यहां से हमें सेंसेशन या तो कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज मिलेगा। सी, कंजक्टिवाइटिस सबको होगा, लेकिन कुछों को लेफ्ट साइड में होगा, कुछों को राइट साइड में होगा। कंजक्टिवाइटिस सबको होगा, लेकिन किसी को बर्निंग होगी, किसी को रेडनेस होगी, किसी को इचिंग होएगा, किसी को स्वेलिंग होएगा, किसी को हैवीनेस होएगा, किसी को वीकनेस होएगा। मतलब कि सबको सेंसेशन भी अलग अलग आ रहा है। किसी को डिस्चार्ज होएगा, किसी को डिस्चार्ज नहीं होएगा, किसी को थिन डिस्चार्ज होएगा, किसी को थिक डिस्चार्ज होएगा, किसी को व्हाइट होएगा, किसी को येलो होएगा, किसी को कॉपियस होएगा, किसी को ड्राई होएगा, किसी को स्टिकी होएगा, किसी को स्टिकी नहीं होएगा। बात समझ में आ रही है? कैसे हुआ? सडनली हो गया, धीरे धीरे हुआ, मतलब उसका जो ग्रोथ है वो सडन मैनिफेस्टेशन है या ग्रेजुअल मैनिफेस्टेशन है। कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है, मतलब कि मोडालिटी कैसी है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे, स्लीपिंग, वॉकिंग, वेकिंग, सॉरी, मतलब उठने से पहले ज्यादा होता है, उठने के बाद ज्यादा होता है, सुबह ज्यादा होता है, दोपहर ज्यादा होता है, शाम को ज्यादा होता है, डे को ज्यादा होता है, नाइट को ज्यादा होता है। उसकी थर्स्ट कैसी है, उसका थर्मल यानी सेंसिटिव टू कोल्ड है और सेंसिटिव टू हीट है, और कुछ कंप्लेन है कि नहीं है। मतलब कंजक्टिवाइटिस सबको है, लेकिन कुछ को लेफ्ट में, कुछ को राइट में है। कंजक्टिवाइटिस सबको है, लेकिन सबका सेंसेशन अलग अलग है, सबका मोडालिटी अलग अलग है, और सबका कॉन्कॉमिटेंट अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? कंजक्टिवाइटिस एक ही है, लेकिन पिक्यूलियर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हनीमैन कहते हैं ना एपोरिज्म 153, क्या है एपोरिज्म 153? एनीवन? 153, एनीवन, किसी को मालूम है? अबाउट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, एपोरिज्म 153 है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। एनीवन? हनीमैन हमें वही कहते हैं ना, हर केस में कैरेक्टरिस्टिक ढूंढिए। हनीमैन कहते हैं हर केस में कैरेक्टरिस्टिक ढूंढिए, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैसे ढूंढेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कंजक्टिवाइटिस इज कॉमन बट लोकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक, कंजक्टिवाइटिस इज कॉमन बट सेंसेशन इज कैरेक्टरिस्टिक, डिस्चार्ज इज कॉमन बट कैरेक्टर इज कैरेक्टरिस्टिक, कंजक्टिवाइटिस इज कॉमन बट मोडालिटी इज कैरेक्टरिस्टिक, कंजक्टिवाइटिस इज कॉमन बट कंकोमिटेंट इज कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कंकोमिटेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, और हर केस में हमें ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ढूंढना है। तो कंजक्टिवाइटिस का केस हमारे पास आएगा तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो जैसे हम पुराणों के अंदर जाते हैं कि कोई असुर है और वो असुर पराजित नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे कोई भी व्यक्ति है जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरीके से हमारे पास अखियास्त्र है। नेक्स्ट, यहां पे कंजक्टिवाइटिस कॉमन है, लेकिन हमें केस टेकिंग में क्या करना है, हमें केस टेकिंग में क्या करना है? तो वही जो हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट ढूंढना है। अब कंजक्टिवाइटिस के ये कुछ अखियास्त्र हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है तो अच्छे से नहीं आ रहा है शायद, लेकिन वो अखियास्त्र लिखा हुआ है। अब देखिए एक एक मेडिसिन का कैसे हमें अप्रोच लेना है, किस अप्रोच से हम आसानी से 2 मिनट के अंदर फट फट प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, और एक दिन में कंजक्टिवाइटिस के हम 50-100 पेशेंट देखेंगे, लेकिन हर पेशेंट में इंडिविजुअलाइजेशन अप्लाई होगा और अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इंडिविजुअल ड्रग प्रिस्क्राइब होगी। कंजक्टिवाइटिस है, हॉट है, थसलेस है,
राइट से शुरू होके लेफ्ट की तरफ गया, स्वेलिंग है, बर्निंग है, स्टिंगिंग पेन है, और व्हाइट कलर का डिस्चार्ज है, यहाँ पे मिल्की व्हाइट डिस्चार्ज लिखा हुआ है, मिल्की व्हाइट डिस्चार्ज, हॉट, थसलेस, राइट टू लेफ्ट, स्वेलिंग, बर्निंग, स्टिंगिंग। अगर ऐसा कुछ पिक्चर हमें देखने को मिलता है तो वहां पे हम एपिस मेलिफिका सोच सकते हैं। अगर पेशेंट हमें व्हाइट डिस्चार्ज नहीं देता है तो हमें वहां पे ऑब्जर्वेशन करना है कि कंजक्टिवाइटिस के केसेस के अंदर, स्पेशली यहाँ पे कॉर्नर के अंदर हमें डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। अगर वहां पे हमें व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, स्वेलिंग है, राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड की तरफ गया है और हॉट पेशेंट है, तो हम एपिस मेलिफिका सोच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये सब चीजें कंजक्टिवाइटिस के हमने जितने भी केसेस अभी देखे हैं और जो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई हैं और हमने जिन जिन इंडिकेशन के ऊपर प्रिस्क्राइब किया है वही चीज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस है, हॉट है, थसलेस है, लेकिन राइट टू लेफ्ट था उसकी जगह लेफ्ट टू राइट है, जहां पे बर्निंग था उसकी जगह ब्लेंड डिस्चार्ज है, व्हाइट की जगह येलो डिस्चार्ज है, ओपन एयर एमेलोरेशन देखने को मिलता है, और कहीं पे भी अगर चेंजिबिलिटी देखने को मिलती है तो हम वहां पे पल्सेटिला सोच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कंजक्टिवाइटिस है, हॉट है, थर्स्टी है, अभी दोनों थर्स्टलेस था, थर्स्टी है, राइट टू लेफ्ट है, ड्राइनेस है, टीचिंग पेन है, मोशन एग्रावेशन, रेस्ट एमिलोरेशन, हैवीनेस है, और ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ द डिसीज है, तो वहां पे ब्रायोनिया सोची जा सकती है। पेशेंट हमें नहीं बताएगा कि मोशन एग्रावेशन है, लेकिन हमें देखना है कि हम जब केस टेकिंग करते हैं तो पेशेंट उसके दरमियान कितनी बार आंख फड़फड़ाता है। अगर पेशेंट बहुत पेनफुल आंख फड़फड़ा रहा है या आंख फड़फड़ाने से बच रहा है या तो वो आंख नहीं फड़फड़ा रहा है, वो आईबॉल का मूवमेंट कैसे करता है, वो अगर आईबॉल का मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है या तो बहुत कम कर रहा है, तो वहां से हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मोशन एग्रावेशन है या मोशन एमिलोरेशन है। बात समझ में आ रही है? हमारी पूरी की पूरी सेंसेस, सभी सेंसेस साउंड होनी चाहिए, मास्टर हमें यही सिखा रहे हैं। उसी तरीके से कंजक्टिवाइटिस है, हॉट है, थर्स्टी है, लेफ्ट टू राइट है, इचिंग है, बर्निंग है, रेडनेस है, येलो एक्रिड ऑफेंसिव डिस्चार्ज, और नाइट और वार्मथ ऑफ द बेड एग्रावेशन है, तो वहां पे सल्फर सोची जानी चाहिए। कंजक्टिवाइटिस है, हॉट है, थर्स्टी है, लेफ्ट टू राइट है, ग्रेजुअल ऑनसेट है, स्प्लिंचर लाइक पेन है, थिक येलो ब्लेंड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज है, स्वीट एग्रावेशन है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम सोच सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस है, हॉट है, थर्स्टी है, लेफ्ट टू राइट है, मतलब कि पहले लेफ्ट में शुरू हुआ फिर राइट में गया, या तो लेफ्ट में ज्यादा है राइट में कम है, ऐसे भी मिल सकता है। हॉट एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज है, सैंड इन आई, आंखों के अंदर धूल मिट्टी चली गई है, ऐसा उसको सेंसेशन मिल रहा है, और डे टाइम एग्रावेशन है, मालूम चल रहा है रात को कम तकलीफ होती है, दिन में ज्यादा तकलीफ होती है, तब हम यूफ्रेसिया सोच सकते हैं। सिर्फ कंजक्टिवाइटिस देख के यूफ्रेसिया नहीं सोच लेना है। बात समझ में आ रही है? कंजक्टिवाइटिस है, हॉट है, थसलेस है, राइट टू लेफ्ट है, ड्राइनेस है, इवनिंग एग्रावेशन है, और साथ में फ्लेटस की कंप्लेंट या गैस्ट्रिक कंप्लेंट देखने को मिलती है, तो वहां पे हम लाइकोपोडियम सोच सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस है, हॉट है, थर्स्टी है, लेफ्ट टू राइट है, सडन ऑनसेट है। बात समझ में आ रही है? ब्रायोनिया में हमने देखा कि जब जब ग्रेजुअल ऑनसेट देखने को मिलेगा तो हम ब्रायोनिया सोचते हैं, लेकिन अगर सडन ऑनसेट देखने को मिलता है तो हम लैकेसिस सोचते हैं। रिटार्डेड डिस्चार्ज मतलब क्या डॉक्टर साहब? थोड़ा थोड़ा पानी निकलता ही रहता है, या तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होता ही रहता है, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेड डिस्चार्ज। अगर रिटार्डेड डिस्चार्ज है, स्लीप आफ्टर और नाइट एग्रावेशन देखने को मिलता है, तो वहां पे हम लैकेसिस सोच सकते हैं। क्लियर हो रहा है मित्रों? कंजक्टिवाइटिस देख के यूफ्रेसिया नहीं देना है, हमें हर बार इंडिविजुअलाइजेशन करना है। क्लियर हो रहा है? हमारे जितने भी मित्र हैं जो गांव में बैठे हैं, देहात में बैठे हैं,
जो चाहे जनरल प्रैक्टिस भी करते हो, लेकिन चार चीजें तो हम पूछ ही सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारी जितनी माताएं बहनें हैं, भले ही अभी वो प्रैक्टिस ना करती हो या कम करती हो, लेकिन अभी ऐसा समय है जब पूरी सोसाइटी अफेक्टेड है, तो वो लोग भी, हम भी सब होम्योपैथ हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। इसमें ऐसा कुछ है जो कोई न कर पाए? साउंड क्लियर आ रहा है? ओके, वेरी गुड। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम न कर पाए, ना ही ऐसा है जो बहुत मुश्किल है। हमें सिर्फ चार चीजें पूछनी है, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट, और देखना है कैसा है। उसी के ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, और हर प्रिस्क्रिप्शन इंडिविजुअलाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि कुछ मेडिसिन, कुछ कंडीशन देख के हम मेडिसिन फिक्स कर लेना है, नहीं। हनीमैन वही कहते हैं, एपोरिज्म 153, हर केस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक ढूंढो, और आपके सामने जो सिम्टम्स रखे गए हैं, वो सिम्टम जो हर मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर हम बोगर साहब की बात करें, तो उनकी भाषा में शायद इसको जीनस ऑफ मेडिसिन कहा जा सकता है, कोई डॉक्टर इसको एसेंस कहेंगे, कोई इसको कीनोट्स कह सकते हैं। सब अलग अलग शब्द का यूज करते हैं, लेकिन सबका कहने का मतलब यही होता है कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। इतना क्लियर हुआ? आप देखेंगे कि कुछ मेडिसिन के अंदर लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, कुछ मेडिसिन के अंदर राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है, कुछ के अंदर थसलेस है, कुछ के अंदर थर्स्टी है, कुछ के अंदर बर्निंग है, कुछ के अंदर स्वेलिंग है, कुछ के अंदर येलो है, कुछ के अंदर व्हाइट है, कुछ के अंदर थिक है, कुछ के अंदर ब्लैक है, सॉरी ड्राई है। मतलब अगर ये कॉम्बो मिलता है तो वो एक ही मेडिसिन को गाइड करता है, ना ही हमें कोई रूब्रिक ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी रेपर्टरी की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई कन्वर्जेशन करना पड़ेगा, मतलब कन्वर्ट सिम्टम टू द रेपर्टरी लैंग्वेज, ना ही कुछ अलग अलग रिफर करना होगा, ना ही कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। बस चार चीजें हमें याद रखनी है, और वही चार चीजें हमें पेशेंट के अंदर ढूंढनी है। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर सिम्टम हर बार मिले, मतलब कई दफा ऐसा होएगा। एग्जाम्पल के तौर पे पेशेंट हॉट है, थसलेस है, लेकिन कुछ साइड क्लियर नहीं है, दोनों आंखें साथ में अफेक्ट हुई हैं, लेकिन बर्निंग, स्टिंगिंग पेन और मिल्की डिस्चार्ज मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है, एपिस दिया जा सकता है। कई दफा ऐसा मिलेगा कि पेशेंट हॉट है, थर्स्टी है, मतलब थसलेस नहीं मिल रहा है, थर्स्टी मिल रहा है, लेकिन येलो डिस्चार्ज है, ओपन एयर में एमलोरेशन भी मिल रहा है, तो वहां पे पल्सेटिला प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। उसी तरीके से ड्राइनेस मिल रहा है, लेकिन राइट टू लेफ्ट नहीं मिल रहा है, मोशन एग्रावेशन मिल रहा है, ग्रेजुअल ऑनसेट मिल रहा है, कोई बात नहीं, वहां पे ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। वॉर्म्थ ऑफ द बेड एग्रावेशन मिल रहा है, हॉट मिल रहा है, इचिंग मिल रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट नहीं मिल रहा है, राइट टू लेफ्ट मिल रहा है, कोई बात नहीं, सल्फर प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। कई दफा ऐसा होगा कि हॉट नहीं मिल रहा है, लेकिन ग्रेजुअल ऑनसेट है, स्प्लिंटर लाइक पेन है, येलो थिक ब्लेंड डिस्चार्ज मिल रहा है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? हमें प्रिजुडाइज होके सब कुछ पेशेंट के अंदर नहीं ढूंढना है। हाँ, पेशेंट के अंदर जो मिल रहा है वो अगर मेडिसिन के अंदर मिलता है तो हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा प्रयत्न ये है कि पूरे की पूरी हमारी होम्योपैथी की जितनी भी लोग हैं, जो होम्योपैथी से प्रेम करते हैं, वो ऐसे एपिडेमिक के अंदर सोसाइटी को हेल्पफुल हो सके। इसमें ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है? पूरे तरीके से हनीमैनियन चीज है, इंडिविजुअलाइजेशन है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी है, सिंगल मेडिसिन की बात भी हो रही है, और सिम्टम सिमिलैरिटी की भी बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? कंजक्टिवाइटिस वो डिसीज है, लेकिन वाइटल फोर्स का सिम्टम क्या है? लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कंकोमिटन, ये वाइटल फोर्स के सिम्टम हैं, और इन्हीं सिम्टम के बेस के ऊपर हम यहाँ पे प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दवाइयां हैं। अगर हम इन 8 दवाइयों को 10-10 बार भी रट लेंगे तो टिप ऑफ द टंग हो जाएगी, हम आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इसमें
अभी तक के सेशन में किसी को कुछ समझ ना आया हो तो कही। आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके फिर से कंजक्टिवाइटिस है, चिली मिल रहा है। अब हॉट और चिली का भी हम आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं कि जो ठंड ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है तो वहां पे हम हॉट कंसीडर कर सकते हैं। गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाती है तो वहां पे हमें चिली कंसीडर करना है। कंजक्टिवाइटिस मिल रहा है, चिली मिल रहा है, थर्स्टी मिल रहा है, राइट टू लेफ्ट है मिल रहा है, बर्निंग है, स्वेलिंग है, डिस्चार्ज कैसा है, पुट्रीड, एक्रीड, कोरोजिव डिस्चार्ज, और वीकनेस एंड रेस्टलेसनेस मिल रहा है तो वहां पे हम आर्सेनिक आल्ब सोच सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस है, चिली है, थर्स्टी है, लेफ्ट टू राइट मिल रहा है, ग्रेजुअल ऑनसेट है, सॉर मिल्की डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है तो हम वहां पे कल्केरिया काब सोच सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस मिल रहा है, चिली मिल रहा है, थर्स्टी मिल रहा है, राइट टू लेफ्ट देखने को मिल रहा है, बर्निंग है, टेनेसियस रॉपी जेली लाइक डिस्चार्ज मिल रहा है, मतलब स्ट्रिंज होता है। हम देखेंगे कि पेशेंट ऐसे आंखें खोली बंद करके खुली करता है तो हमें बीच के अंदर ऐसे तंतु देखने को मिलेंगे, इसको स्ट्रिंजी डिस्चार्ज कहते हैं, या तो जेली लाइक डिस्चार्ज यहाँ पे जमा होता हुआ दिखता मिलता है, या तो पेशेंट बोलता है मैं रब करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके सामने वो बार 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 रब कर रहा है तो वहां पे हम कैंथारिस सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब जब हमें रबिंग मिले तो हर बार कैंथारिस देना है, हाँ लेकिन रबिंग के साथ दूसरे दो तीन सिम्टम भी मिलने चाहिए तो कैंथारिस सोच सकते हैं। अगर रबिंग मिल रहा है लेकिन एक्रीड डिस्चार्ज है, बर्निंग है, राइट टू लेफ्ट है और चिली है तो वहां पे हम आर्सेनिक भी सोच सकते हैं, फॉस्फरस भी सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रबिंग देख के हर बार कैंथारिस। टोटालिटी ऑफ सिम्टम का वैल्यू होता है, एक सिम्टम का ज्यादा तवज्जो नहीं है। हम बहुत छोटे थे तब एक कहानी आती थी कि एक किसान था और उसके चार बेटे थे लेकिन चारों बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान बीमार हुआ, उसकी मौत उसको नजदीक दिखाई दी। उसने सोचा कि ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कैसे चलेगा। उन्होंने लकड़ी की दो गठरियां मंगवाई, पहली गठरी खोल दी और सभी को एक एक लकड़ी दी और सबने आसानी से वो लकड़ी तोड़ दी। ठीक है, फिर किसान ने उनको पूरी गठरी दी और बोला अब तोड़ो तो किसी से भी नहीं टूटी। और किसान ने सबको समझाया, क्या समझाया, कि अगर साथ रहोगे, इकट्ठे रहोगे तो आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा, अकेले अकेले रहोगे तो टूट जाओगे। और उसी से हमें समझ में आया कि अकेले सिम्टम की, अकेले इंडिकेशन की बहुत तवज्जो नहीं है, टोटालिटी की तवज्जो है। अगर एक सिम्टम इंडिकेट भी करता है तो हमें बहुत ध्यान नहीं देना है और एक सिम्टम कॉन्ट्रा इंडिकेट करता है तो भी ध्यान नहीं देना है। हाँ, टोटालिटी इंडिकेट करती है तो वो मेडिसिन देनी है, टोटालिटी कॉन्ट्रा इंडिकेट करती है तो वो मेडिसिन नहीं देनी। कंजक्टिवाइटिस है, चिली है, थर्स्टी है, राइट टू लेफ्ट है, ठीक येलो स्ट्रिंजी विस्किट डिस्चार्ज देखने को मिलता है और साथ में जॉइंट पेन देखने को मिलता है तो काली बीच सोच सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस है, चिली है, थर्स्टी है, राइट टू लेफ्ट, प्रोफ्यूज ऑफेंसिव डिस्चार्ज, नाइट एग्रावेशन और एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलता है तो मर्क्सोल भी सोच सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस है, चिली है, थर्स्टी है, लेफ्ट टू राइट देखने को मिलता है, ओवर सेंसिटिव है, ओवर यूज ऑफ मेडिसिन है और डिस्चार्ज अमिलोरेशन देखने को मिलता है तो हम वहां पे नक्शवमिका सोच सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस है, चिली है, थर्स्टी है और लेफ्ट टू राइट देखने को मिलता है, स्टीफ लैम फिलिंग है, वाटरी डिस्चार्ज है, रेड टिप्ड टंग देखने को मिलता है, रेस्ट अमिलोरेशन और रेस्ट एग्रावेशन और मोशन अमिलोरेशन देखने को मिले तो वहां पे हम रस्टॉक सोच सकते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है, रेस्ट एग्रावेशन, मोशन अमिलोरेशन। रस्टॉक्स और पल्सेटिला दोनों के अंदर, पुस्तक के अंदर, मटेरिया मेडिका की बुक्स के अंदर राइट साइडेड अफिनिटी ज्यादा दी गई है लेकिन
प्रैक्टिस के अंदर हमें लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट के अंदर बहुत ज्यादा रिजल्ट मिले हैं, इसीलिए हम आपको दोनों के अंदर लेफ्ट दे रहे हैं। जरूरी नहीं है हर मेडिसिन राइट पे भी एक्ट करता है, लेफ्ट पे भी करता है, ये तो इंडिकेशन की बात है। अगर मिलता है तो हमें लेफ्ट को तवज्जो दे के वहां पे रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब करना है। कंजक्टिवाइटिस है, चिली है, थसलेस है, लेफ्ट टू राइट है, ड्राइनेस है, बर्निंग पेन, रेस्ट अमिलोरेशन और ब्लू रिंग अराउंड द आई देखने को मिले तो वहां पे हमें स्टेफिसेग्रिया सोचना है। कंजक्टिवाइटिस है, चिली है, थसलेस है, लेफ्ट टू राइट है, ड्राइनेस है, हैवीनेस है, वीकनेस है और वार्मथ ऑफ द बेड अमिलोरेशन है। अगर वार्मथ ऑफ द बेड एग्रावेशन देखने को मिले तो हम सल्फर सोचते हैं, वार्मथ ऑफ द बेड अमिलोरेशन देखने को मिले तो हमें सेपिया सोचना है। कंजक्टिवाइटिस है, चिली है, थर्स्टी है, राइट टू लेफ्ट है, सडन कंप्लेन है, रेडनेस है, ओवर सेंसिटिवनेस है और हॉट डिस्चार्ज देखने को मिले तो वहां पे हमें बेलाडोना सोचना है। कंजक्टिवाइटिस है, चिली है, थर्स्टी है, राइट टू लेफ्ट है, रेडनेस है, बर्निंग डिस्चार्ज और रबिंग एमिलोरेशन, ओपन एयर एग्रावेशन देखने को मिले तो हमें वहां फॉस्फरस सोचना है। अब अगर आठ मेडिसिन एक हुई, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मेडिसिन हुई, 19 मेडिसिन को रट डालना है तो हम कैसे कर पाएंगे? अगर हमें ओपन एयर एमिलोरेशन मिले तो हमें पल्सेटिला सोचना है, ओपन एयर एग्रावेशन मिले तो हमें फॉस्फरस सोचना है, वार्मथ ऑफ द बेड एग्रावेशन मिले तो सल्फर सोचना है, वार्मथ ऑफ द बेड एमिलोरेशन मिले तो सेपिया सोचना है, हैवीनेस मिले तो ब्रायोनिया और सेपिया दो सोच सकते हैं, ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिले तो हम नक्सोमिका और बेलाडोना भी सोच सकते हैं इस तरीके से। और नक्सोमिका और बेलाडोना कैसे डिफरेंशिएट होंगी? तो एक का डिस्चार्ज हॉट है और दूसरा डिस्चार्ज के बाद अमिलोरेट होता है, एक में हमें दिख बहुत रेडनेस और इन्फ्लाम देखने को मिलता है तो बेलाडोना सोचना है। और बहुत मेडिसिन लेके आए हैं तो वहां पे हमें नक्सोमिका सोचना है। बात समझ में आ रही है? तो इतनी मेडिसिन हमें रट लेनी है। इसमें किसी को कुछ न समझ आया हो तो कहिए, हमारी पीपीटी बनाने वाले महोदय आज कुछ काम में हैं, सो ये पीपीटी हमारे द्वारा बनाई हुई है, सो थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक है और बहुत सिंपल पीपीटी रहेगी क्योंकि हमारा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ काम चला लेते हैं, कंटेंट रहेगा लेकिन पीपीटी बहुत सिंपल है और कुछ थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक रह गई है। इतने तक किसी को कुछ न समझ आया हो तो कहिए, कैसे डिफरेंशिएट करनी है वो भी बात समझ में आ गई ना? क्लियर? आगे बढ़े, अखियास्त्र सबको आ गए, सबको अखियास्त्र की विद्या मिल गई। हम पुराण या उस टाइम में जाते हैं ना तो उस स्टोरियों में बहुत आता है, अर्जुन ने तपस्या की फिर उसको दिव्यास्त्र मिले, तो ये सब हमारे दिव्यास्त्र हैं। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं सर जी, नेक्स्ट। अब हमारा काम खत्म हुआ, अब आपका काम शुरू हुआ। केस नंबर वन, 22 ईयर ऑफ मेल, कंप्लेन ऑफ कंजक्टिवाइटिस, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग ऑफ आई विथ लैक्रिम, स्वेलिंग इन द आई विथ लैक्रिमेशन, हॉट वाटर कंटिन्यू फ्रॉम आई, स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड देन गोज टू लेफ्ट, थस डिक्रीज हॉट एंड ऑन ऑब्जर्वेशन व्हाइट मटेरियल स्टिक ऑन द कॉर्नर ऑफ द आई। यहां पे व्हाइट मटेरियल देखने को मिल रहा था, क्या सोचेंगे? बस इतना सा ही केस है, दो मिनट एक मिनट के अंदर सिंपल सिमिलिमम। होम्योपैथी का मतलब क्या होता है हनीमैन की दृष्टि में? अविकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन, बोथ आर सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन, मतलब उसी तरीके का मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस कर सके वैसी दवाई देनी है। तो ये डिसीज का मैनिफेस्टेशन क्या है? राइट टू लेफ्ट, थर्स्ट डिक्रीज, हॉट, व्हाइट डिस्चार्ज एंड स्वेलिंग। तो हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए जिसने हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर राइट टू लेफ्ट, स्वेलिंग, थसलेस,
हॉट और वाइट डिस्चार्ज ऐसा प्रोड्यूस किया हो तो ऐसी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो नेचुरल डिजीज चला जाएगा। बोलिए, बहुत सारे लोग हैं, आंसर कीजिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हॉट और थसलेस के बेस के ऊपर आप पल्सेटिला, लाइकोपोडियम एंड एपिस मेलिफिका, ये तीन सोच सकते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा देखना है कि स्वेलिंग भी प्रोड्यूस कर पाए, डिस्चार्ज भी वाइट हो और राइट टू लेफ्ट गया हो। नेक्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब एपिस 30। एपिस 30 वन डोज, पेशेंट इज मच बेटर, नो एनी अदर कंप्लेंट। बात समझ में आ रही है? सिम्टम वही है लेकिन लाइकोपोडियम पल्सेटिला और एपिस मेलिफिका को डिफरेंशिएट करना है। अब आप वापस स्लाइड में जाके एपिस मेलिफिका देखिए। अगर गलत मेडिसिन मतलब डिससिमिलिमम प्रिस्क्राइब हुआ, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने कबीर साहब का दोहा पहले रखा था कि हमें ऐसा नहीं बनना है कि जो भादों की तरह हो, जब बहुत बारिश हो तो बहुत पानी होता है और सभी नदियों में पानी होता है। हमें एक दिन के लिए होम्योपैथी नहीं करना है, होम्योपैथी हमारे जीवन में हो। हमें ऐसी नदी बनना है कि जो जेठ में भी पानी हो। एपिस क्लियर हुआ सबको? किसी को क्लियर ना हो तो यहीं पे पूछें। ओके, नेक्स्ट केस नंबर 2, 29 ईयर ऑफ द फीमेल, कंप्लेन ऑफ कंजक्टिवाइटिस सिंस यस्टरडे, बर्निंग एंड इचिंग इन द आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट नाइट एंड व्हाइल गोइंग टू स्लीप एग्रावेशन, पेशेंट कैन नॉट स्लीप पीसफुली, थर्स्टी एंड हॉट। क्या सोचेंगे इस टोटालिटी में? मेडिसिन ऐसी चाहिए जो मेडिसिन इसी तरीके का मैनिफेस्टेशन दे सकती हो, जहां पे इचिंग बर्निंग मिले, लेफ्ट टू राइट मिले, हॉट मिले और थर्स्टी मिले, और नाइट और वार्मथ ऑफ द बेड एग्रावेशन देखने को मिले। वेरी गुड। नेक्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब सल्फर 200 वन डोज, ऑन दैट डे पेशेंट स्लीप्स कंफर्टेबली, बर्निंग डिक्रीज। इसी को हनीमैन की भाषा में रिकवरी कहा जाता है। हमने जब तक अपने गुरुजनों से सीखा है कि पेशेंट को अगले रात पे नींद नहीं आई है और सिमिलिया दिया है, तो सिमिलिया देने के बाद भूख, प्यास, स्लीप, यूरिन, टॉयलेट, ये सब रेगुलर होना चाहिए। दूसरी चीज, जो डिसीज का मतलब क्या होता है? डिसीज का मतलब होता है अल्टर्ड सेंसेशन एंड फंक्शन। तो सिमिलिमम प्रिस्क्राइब होने के बाद फंक्शन और सेंसेशन जो अल्टर हुए थे वो नॉर्मल होने चाहिए। तो अल्टर्ड सेंस क्या थी? कि आंख के अंदर बर्निंग नहीं होनी चाहिए बट हो रही है, तो ये अल्टर्ड सेंसेशन था, वो डिक्रीज हुआ। इसका मतलब हमारी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हुई है वो राइट है। क्लियर हुआ सबको सल्फर? प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट केस नंबर 3, 55 ईयर ऑफ द फीमेल, कंप्लेन ऑफ रेड आई सिंस यस्टरडे, पेनफुल रेडनेस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट देन बोथ आई अफेक्टेड, डिस्चार्ज स्लोली एग्रावेटेड नाइट, थर्स्टी एंड हॉट। एनीवन? मेडिसिन ऐसा ढूंढना है जहां पे डिस्चार्ज स्लो मिलता हो, जो लेफ्ट से राइट जाता हो, नाइट एग्रावेशन मिलता हो। नेक्स्ट, वेरी गुड, मेडिसिन प्रिस्क्राइब लैकेसिस 200 वन डोज, ऑन नेक्स्ट डे रेडनेस डिक्रीज एंड पेशेंट इज बेटर। क्लियर? सबको लैकेसिस दिखा? बहुत सिंपल है यार, होम्योपैथी इज वेरी इजी। होम्योपैथी में कुछ ऐसा
ऐसा है ही नहीं कि कोई होम्योपैथी ना कर पाए, बच्चा बच्चा होम्योपैथी कर सकता, इतना कोई कौन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, 52 ईयर ऑफ द फीमेल कंप्लेन ऑफ रेड आई सिंस यस्टरडे, ड्राइनेस इन द आईज, फील्स आई वेरी हैवी, कैन नॉट ओपन कंफर्टेबल, थसलेस एंड चीली। वेरी गुड वेरी गुड। मेडिसिन प्रिस्क्राइब सेपिया 31 डोज, सेपिया दिखा ना सबको। नेक्स्ट, पेशेंट कॉल्ड सी फील्स मच बेटर इन इवनिंग, सी कैन ओपन अप आई इजीली एंड हैवीनेस ऑफ आई इज डिक्रीज्ड। क्लियर। नेक्स्ट, 25 ईयर ऑफ द मेल कंप्लेन ऑफ द रेड आई पेनफुल सडनली सिंस मॉर्निंग, बोथ आई रेड एंड इन्फ्लेम्ड, पेशेंट सेस उनू पानी निकल्या करे छे। गुजराती मां उनू पानी निकल्या करे छे मतलब अंदर से गरम गरम पानी निकल रहे हैं, और चिली। बेलाडोना दिख रही है? नेक्स्ट, बेलाडोना 201 डोज, नेक्स्ट डे रेडनेस डिक्रीज, पेन डिक्रीज एंड पेशेंट फील्स मच बेटर। नेक्स्ट, 33 ईयर ऑफ द रिच मैन हैव कंप्लेन ऑफ रेड आई सिंस टू डे, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट आई देन गोज टू बोथ, कंप्लेन ऑफ पेन एंड रेडनेस, यूज मेनी ड्रॉप्स एंड मेडिसिन, आफ्टर यूजिंग ड्रॉप्स पानी निकले और फील्स बेटर। ड्रॉप्स डालता हूँ ना डॉक्टर साहब तो तुरंत पानी निकलने लगता है, पानी निकल जाता है ना, गर्मी निकल जाती है तो मेरे को अच्छा लगता है। इरिटेबल ड्यू टू कंप्लेन एंड चिली। सो वेरी गुड। नक्सवामी का दिख रहा है सबको? नक्सवामी का 31 डोज, फील्स मच बेटर आफ्टर 1 आवर, पेशेंट ने सामने से फोन किया डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया लग रहा है, पेन डिक्रीज्ड। नेक्स्ट, 18 ईयर ऑफ फीमेल कंप्लेन ऑफ रेड आई सिंस यस्टरडे, बोथ आई अफेक्टेड पेनफुल, येलो थिक डिस्चार्ज एट कॉर्नर, थर्स्ट डिक्रीज्ड एंड हॉट। वेरी गुड। पल्सेटिला, सो मेडिसिन प्रिस्क्राइब पल्सेटिला 201 डोज, पेशेंट फील्स नो पेन इन नेक्स्ट डे। नेक्स्ट केस 8, केस 8, 21 ईयर ऑफ द मेल कंप्लेन ऑफ रेड आई, ड्राइनेस इन द आई, पेनफुल इवन पेन व्हाइल जस्ट मूवमेंट ऑफ आईबॉल, हैवी टू ओपन, बोथ आई अफेक्टेड एंड रूम पार्टनर सेज डॉक्टर साहब सोया ही हुआ है, उठता ही नहीं है, हॉट। दिख रहा है ब्रायोनिया? चाहे मटेरिया मेडिका प्यूरा के अंदर ब्रायोनिया 50 पेजिस का हो सकता है, लेकिन हमें बस इतना ही आ रहा है और इतना पेशेंट में दिख रहा है, तो प्रिस्क्राइब ब्रायोनिया 201 डोज, पेशेंट इज हैप्पी वर्किंग एट होम नेक्स्ट डे। नेक्स्ट केस नंबर 9, 22 year of male complaint of red eye since yesterday after getting wet in the rain, both eye affected, red tipped tongue। हमें क्या सीखना है कि हर पेशेंट का टंग एग्जामिनेशन भी करना चाहिए, हमें कॉन्कोमिटेंट हमें कहीं से भी मिल सकते हैं। सो हर बार हॉट मिले या हर बार चिली मिले, हर बार थस्टी मिले, हर बार थसलेस मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने आपको जो सिम्टम दिखाए उनमें से कोई भी 3-4 सिम्टम मिलते हैं तो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये केस इसीलिए आपके यहाँ पे लाया गया है कि ना ही हॉट चिली है, ना ही थस्टी थसलेस है, ना ही लेफ्ट राइट है, फिर भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब रस्टॉक्स। नेक्स्ट, रस्टॉक्स 30 TDS फॉर 2 डेज, पेशेंट फील्स बेटर ऑन नेक्स्ट डे। केस 10, 25 ईयर ऑफ द मेल complaint of red eye since yesterday, pain and redness, yellow discharge from eye, patient says he can feel chip-chipa, chikdu-chikdu, difficulty in opening the eye, chili। तो medicine ऐसा ढूंढो जहां पे chip-chipa discharge मिले,
चिली मिले, येलो डिस्चार्ज मिले, और एनीवन काली बीच 30 बीडी फॉर टुडे, पेशेंट डिड नॉट कॉल एंड येट नॉट कम फॉर फॉलो अप। सो हम ऐसे केस आपके सामने इसीलिए लाते हैं कि हमारे पास भी फॉल डाउन होता है, कई बार पेशेंट नहीं भी आते हैं। नेक्स्ट, सिर्फ दो ही केस रह गए हैं, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। 22 ईयर ऑफ द मेल, कंप्लेन ऑफ रेड आई सिंस यस्टरडे, बर्निंग पेन, वाटरी डिस्चार्ज, पेशेंट फील लाइक आंखों में अंगारा थी गया छे, कोयला लगाया हुआ है, ऐसी बर्निंग हो रही है, बोथ आई अफेक्टेड, फियर ऑफ मे बी सम बिग डिसीज इन देयर, सो ही कंसल्टेड 3 डॉक्टर्स एंड ऑल सेज नो नीड टू वरी, चिली पेशेंट। वेरी गुड, आर्सेनिकल 33 डोज, सुबह दोपहर शाम आफ्टर फर्स्ट डोज, बर्निंग इज डिक्रीज, रूममेट सेज पेशेंट बिकम काम, जो एनजीएस था वो काम हो रहा है। सो होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ कंजक्टिवा के इन्फ्लामेशन को कम नहीं करती है, पेशेंट एज ए होल को हील करती है, रिस्टोर द सीक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। नेक्स्ट, आर्सेनिकल प्रिस्क्राइब किया गया था। नेक्स्ट, सो हमारा वेबसाइट है homeopathicgurukul.com और ये हमारे फोन नंबर है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे। थैंक यू साहब, थैंक यू। ये इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथी है और पूरे हनीमैन के सारे लॉज भी हम फुलफिल कर रहे हैं और चुटकियों में होम्योपैथी होती है, कोई खास ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर वो ये 19 मेडिसिन को रट ले ना और वो केस टेकिंग करना जान जाए तो वो आसानी से होम्योपैथी प्रिस्क्राइब कर सकता है, और तभी जाके घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी होगा। हाँ जी कहिए। हाँ जी, होम्योपैथी सत्य है। चाणक्य का एक बहुत अच्छा वाक्य है, शास्त्र कभी काल ब्राह्य नहीं होते, मतलब कि सत्य है जो शास्त्र है उसको कभी समय के कारण वो सत्य या झूठ नहीं होता, वो शाश्वत है, वो हमेशा सत्य है, हर काल में, हर देश में, हर परिस्थिति में, हर भूखंड में सत्य है, और कंजक्टिवाइटिस में नहीं। चाहे वो कोई भी इन्फ्लामेशन हो, चाहे न्यूमोनिया हो, चाहे टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे और कोई इन्फ्लामेशन हो, सब इन्फ्लामेशन में आप इसी तरीके से काम कर सकते हैं। ये शाश्वत सत्य है और ये हर जगह सत्य है और प्रैक्टिस में अप्लाई किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम आपको बुक में से निकाल के दिखा रहे हैं, ये हमारा, हमारे गुरुजनों का और हम सब लोगों का प्रैक्टिस है। जरूरी नहीं है हर बार माइंड लिया जाए, हमारी प्रैक्टिस में ज्यादातर हमें माइंड लेना नहीं आता है सो हम नहीं ले पा रहे हैं। जरूरी नहीं है हर बार डिसीज का नाम देख के दवाई दिया जाए, हनीमैन को अप्लाई करना है और 153 हर बार कैरेक्टरिस्टिक निकाल के दवाई देना है। धन्यवाद, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।